स्क्वायर मेथड। आज के जो आर्टिकल्स हैं, हम पहले ये पढ़ेंगे कि इन्फीरियर प्लैनेट्स और सुपीरियर प्लैनेट्स क्या होते हैं। एक इन्फीरियर प्लैनेट्स और सुपीरियर प्लैनेट्स क्या होते हैं। इन्फीरियर प्लैनेट्स की डिस्टेंस सन से और सुपीरियर प्लैनेट की डिस्टेंस सन से किस मेथड से निकालते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कौन से प्लैनेट्स की बेटा। आपका ऐसे हमारा आर्टिकल यही है, इन्फीरियर प्लैनेट्स एंड वर्ड सुपीरियर या सुपीरियर प्लैनेट्स। ठीक है, देखो सबसे पहले बात करेंगे किस प्लैनेट्स की बेटा, इन्फीरियर प्लैनेट्स। इन्फीरियर प्लैनेट्स वो प्लैनेट्स होते हैं जो सन के पास होते हैं, जो सन के नियर बाय होते हैं। ठीक है, तो सन के क्लोज होते हैं, उन प्लैनेट्स को हम कौन से प्लैनेट्स बोलते हैं, इन्फीरियर प्लैनेट्स। सन के क्लोज का मतलब ये है जिनकी डिस्टेंस सन से पास है एज कंपेयर टू अर्थ। जैसे हम बात करें अर्थ की जो डिस्टेंस है सन से, उसके कंपैरिजन में अगर किसी प्लैनेट की डिस्टेंस सन से कम है, उस प्लैनेट को हम बोलेंगे कौन सा प्लैनेट, इंफीरियर प्लैनेट। तो डेफिनेशन क्या देंगे इसी इंफीरियर की, दोज प्लैनेट हुज डिस्टेंस इज स्मॉल और लेस देन, यू कैन से और लेस देन द डिस्टेंस ऑफ अर्थ फ्रॉम जो अर्थ से सन के बीच की डिस्टेंस है ना, अर्थ से किसके बीच की, सन के बीच की जो डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस के कंपैरिजन में अगर वो डिस्टेंस हमारी कम है, छोटी है वो वैल्यूज, तो वो जो हमारे पास प्लैनेट्स होंगे, वो प्लैनेट्स हमारे पास कौन से प्लैनेट्स होंगे बेटा, उन प्लैनेट्स को बोलेंगे कौन सा प्लैनेट, इन्फीरियर प्लैनेट्स। जैसे एग्जांपल मान लो ये आपके पास सन है, ठीक है, सन के बाद हमने एक प्लैनेट ले लिया, मान लो मरकरी ले लिया, ये हमारे पास मरकरी है। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास मान लो अर्थ है, तो सन से अर्थ के बीच की डिस्टेंस ये मान लेते हैं एक्स, और सन से मरकरी के बीच की डिस्टेंस कितनी मान लेते हैं वाई। जो वाई की वैल्यू है वो कम है किससे, एक्स से। इसका मतलब मरकरी हमारा कौन सा प्लैनेट हो गया बेटा, मरकरी हमारा हो गया इंफीरियर प्लैनेट्स। वो प्लैनेट्स जिनकी डिस्टेंस सन से, जिनकी डिस्टेंस सन से स्मॉलर है एज कंपेयर टू द अर्थ। अर्थ से जो डिस्टेंस है सन के बीच में, अर्थ से सन के बीच में जो डिस्टेंस है और अर्थ से उस प्लेनेट के बीच की जो डिस्टेंस है, वो अगर उससे स्मॉलर आएगी, उससे छोटी आएगी, तो वो हमारे प्लैनेट्स कौन से होंगे बेटा, इन्फीरियर प्लैनेट्स। इनके एग्जाम्पल मैंने एक तो बताई कि आपको मरकरी, दूसरा क्या होगा इसका बेटा एग्जाम्पल वीनस। मरकरी और वीनस ये दो ऐसे प्लैनेट्स हैं जिन प्लैनेट्स को हम कौन सा प्लैनेट बोलते हैं, इन्फीरियर प्लैनेट्स। और समझ में आ गया होगा इसके बाद सुपीरियर प्लैनेट्स, सुपीरियर प्लैनेट्स। सुपीरियर प्लैनेट्स कौन से होते हैं बेटा, वो प्लैनेट्स जिनकी डिस्टेंस अर्थ से, सॉरी जिनकी डिस्टेंस सन से एज कंपेयर टू द अर्थ ज्यादा हो, उन प्लैनेट्स को कौन से प्लैनेट्स बोलते हैं, है ना। तो हमें डेफिनेशन में लिखेंगे दोज प्लैनेट्स हुज डिस्टेंस इज लार्ज एज कंपेयर टू द डिस्टेंस ऑफ अर्थ फ्रॉम द सन। ठीक है, इसके एग्जाम्पल कौन कौन से होंगे, समझ में आ गया होगा ऑप्शन आपको, इंफीरियर प्लैनेट और सुपीरियर प्लैनेट का। इसके एग्जाम्पल हमारे पास जितने प्लैनेट बचे हैं, जुपिटर, नेपच्यून, ठीक है, यूरेनस, प्लूटो, ये सारे प्लैनेट्स जो बच गए, ये हमारे पास कौन से प्लैनेट्स हैं बेटा, सुपीरियर प्लैनेट्स। ठीक है, अब आपको एक बात सुननी है, आपको अर्थ से डिस्टेंस निकालनी है, ठीक है, सॉरी सन से डिस्टेंस निकालने किसी भी इंफीरियर प्लैनेट्स,
और सन से डिस्टेंस निकालनी है किसी भी सुपीरियर प्लैनेट से। अगर सन से आपको किसी भी इंफीरियर प्लैनेट की डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है, तो उसके लिए जो जो मेथड यूज होगा इंफीरियर प्लैनेट्स के लिए, जो मेथड यूज होगा बेटा, वो मेथड होगा हमारे पास कौन सा मेथड? कोपरनिकस मेथड। कोपरनिकस मेथड, कोपरनिकस मेथड क्या होता है बेटा? कोपरनिकस मेथड इज अ मेथड टू यूज, टू फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड इंफीरियर प्लैनेट्स। मान लो आपको मरकरी और सन के बीच में डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, तो मरकरी और सन के बीच में डिस्टेंस कैलकुलेट करने का जो मेथड है आपके पास, जो मेथड का नाम क्या है हमारे पास? कोपरनिकस मेथड। आप कोपरनिकस मेथड की हेल्प से मरकरी और सन के बीच में, या फिर वीनस और सन के बीच में डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हो। उसके बाद जो दूसरा मेथड है बेटा, जिस मेथड का यूज हम लोग करेंगे किस प्लैनेट की डिस्टेंस निकालने के लिए? सुपीरियर प्लैनेट की डिस्टेंस निकालने के लिए। उस मेथड का नाम है हमारे पास कौन सा मेथड? कैपलर्स लॉ। कैपेलर, कैपलर्स लॉ। देखो आप लोगों ने कैपलर्स का नाम सुना होगा, नहीं सुना तो आपको याद दिलाता हूँ। 9th क्लास में आप लोगों ने ग्रेविटेशन पढ़ा होगा, 9th या 10th में ग्रेविटेशन पढ़ा होगा। ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में आपको कैपलर्स का नाम सुनाई दिया होगा। कैपलर्स के 3 प्लैनेटरी मोशंस हैं, उन 3 प्लैनेटरी मोशंस में एक प्लैनेटरी मोशन की बेसिस पर हम सुपीरियर प्लैनेट्स मतलब जुपिटर की सन से डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं, नेपच्यून की सन से डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, और यूरेनस की डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमें 2 बात समझ में आ गई बेटा। इंफीरियर प्लैनेट्स वो प्लैनेट्स होते हैं जो, जिनकी डिस्टेंस सन से कम होती है एज कम्पेयर टू द डिस्टेंस ऑफ द अर्थ, और जिनकी डिस्टेंस सन से ज्यादा होती है अर्थ के कंपेरिजन में, ठीक है, उन प्लैनेट्स का नाम क्या रखा हम लोगों ने? कौन से प्लैनेट रखे बेटा? इंफीरियर प्लस सुपीरियर प्लैनेट्स। और इंफीरियर प्लैनेट्स की डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए जो मेथड यूज करते हैं उस मेथड का नाम है कोपरनिकस मेथड, और सुपीरियर की डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए कैपलर्स के लो, ठीक है, कैपलर्स का मेथड है। अब देखो कैपलर्स वाला मेथड मैं शायद आपको नहीं कराऊंगा, क्योंकि उसके पीछे रीजन है। जो कैपलर्स का मेथड समझने के लिए आपको कैपलर्स के लो पता होने चाहिए, और जो कैपलर्स के लो है वो आपको मिलेंगे आपके ग्रेविटेशन चैप्टर में, जो चैप्टर नंबर आपका 6 आएगा, सॉरी यूनिट नंबर 6 आएगी। यूनिट नंबर 6 में आप लोगों को ग्रेविटेशन मिलेगा बेटा। ग्रेविटेशन चैप्टर के अंदर कैपलर्स के लो आएंगे, उन कैपलर्स के लो के ऊपर बेस्ड है ये वाला इन सुपीरियर प्लैनेट की डिस्टेंस। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? हम बात करेंगे कौन से मेथड की बेटा? कोपरनिकस। कोपरनिकस मेथड ये एक मेथड है। अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि कोपरनिकस मेथड किस काम आता है, सुपीरियर प्लैनेट्स की डिस्टेंस निकालने के लिए या इंफीरियर की? इंफीरियर प्लैनेट्स किससे डिस्टेंस निकाल सकते हो आप? आप डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हो सन से किसी भी इंफीरियर प्लैनेट के बीच की डिस्टेंस, सन से किसी भी इंफीरियर प्लैनेट के बीच की डिस्टेंस। अब आप एक बात और याद रखना, जितने भी ये इंफीरियर प्लैनेट्स हैं, जैसे आपको बताया था मैंने 2 मरकरी और 1 वीनस, ये 2 हमारे पास एक इंफीरियर प्लैनेट्स हैं। मरकरी और वीनस ये 2 इंफीरियर प्लैनेट्स हैं, और तीसरा हमारे पास लोकेशन पर आता है अर्थ। मरकरी, उसके बाद वीनस, फिर उसके बाद लोकेशन पर क्या आता है बेटा? अर्थ। ये 3 जो प्लैनेट्स हैं, ये तीनों प्लैनेट्स ऑलमोस्ट सन के अराउंड सर्कल में रिवॉल्व करते हैं। ये तीनों प्लैनेट्स सन के अराउंड किस में रिवॉल्व करते हैं बेटा? सर्कल में रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। पर और जितने भी प्लैनेट्स बच गए जिनका नाम है सुपीरियर प्लैनेट्स, वो सभी प्लैनेट्स सन के अराउंड जो रिवॉल्व करते हैं वो करते हैं बेटा इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व। किस में रिवॉल्व करते हैं? इलेप्टिकल रिवॉल्विट में रिवॉल्व, मतलब हम बोल सकते हैं सुपीरियर प्लैनेट्स की जो शेप है सन के अराउंड रिवॉल्व करने की वो होती है इलेप्टिकल, और इंफीरियर प्लैनेट्स की जो शेप है वो सन के अराउंड रिवॉल्व करने की वो होती है कौन सी बेटा? हमारे पास सर्कुलर। तो हम क्या मान लेते हैं, हम ये इमेजिन कर लेते हैं ये हमारे पास सन है,
दिस इज आवर सन, जिसके अराउंड सभी प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। और जो मैं दो प्लैनेट लेके चल रहा हूँ, एक प्लैनेट तो हम लेके चलेंगे बेटा जिस कोई भी इन्फीरियर प्लैनेट, मरकरी या वीनस में से कोई एक प्लैनेट ले लो। मान लो हमने ये ले लिया मरकरी का, और मरकरी सन के अराउंड ऐसे रिवॉल्व कर रहा है, और किस शेप में रिवॉल्व करेगा बेटा, मैं आपको बता चुका हूँ। ये रिवॉल्व करेगा कौन सी शेप में बेटा, सर्कुलर शेप। ठीक है, सर्कुलर शेप में कौन रिवॉल्व कर रहा है बेटा, ये प्लैनेट रिवॉल्व कर रहा है। मान लो ये प्लैनेट पी है, एग्जांपल में इस प्लैनेट का नाम क्या ले सकते हैं, मरकरी ले सकते हैं। ये किसमें रिवॉल्व कर रहा है बेटा, ये रिवॉल्व कर रहा है आपके सामने सर्कुलर में, रिवॉल्व कर रहा है सर्कल में, रिवॉल्व कर रहा है किसके अराउंड, सन के अराउंड। ठीक है, और मैंने आपको बताया कि अर्थ भी सन के अराउंड रिवॉल्व करता है ऑलमोस्ट, कौन सी शेप में रिवॉल्व करता है बेटा, सर्कल में। तो हम क्या लेंगे, हम लोग लेंगे, अब लेंगे अर्थ की ऑर्बिट। ये हमने अर्थ की ऑर्बिट ले ली, और हमारा अर्थ भी किस में रिवॉल्व कर रहा है बेटा, सर्कल में रिवॉल्व कर रहा है। तो ये अर्थ की ऑर्बिट ले ली हम लोगों ने, ठीक। ये हमारे पास लोकेशन किसकी है, प्लैनेट की। ये मान लेता हूं लोकेशन हमारे पास किसकी है बेटा, ये हमारे पास लोकेशन है अर्थ की, ये हमारे पास अर्थ की लोकेशन है, और ये हमारे पास किसकी लोकेशन है बेटा, प्लैनेट की, और ये क्या है हमारे पास सन। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है प्लैनेट और सन के बीच की डिस्टेंस। कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं बेटा, कोपरनिकस मेथड। तो इस डिस्टेंस को जो सन और प्लैनेट के बीच की डिस्टेंस है, इसको बोल देता हूं RSP। RSP का मतलब, RSP हमारे पास है डिस्टेंस फ्रॉम सन टू प्लैनेट, सन से प्लैनेट के बीच। ठीक है, सन से अर्थ के बीच की डिस्टेंस, इसको बोल देते हैं हम RSE। SE का मतलब सन टू अर्थ। RSE क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम सन टू अर्थ। और आपको पता है बेटा, सन से और अर्थ के बीच की जो डिस्टेंस हम लोग लेते हैं, उसको बोलते हैं वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। आपको याद होगा इसकी वैल्यू होती है 1.496 × 10^11 मीटर। ये हमारे पास वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होती है। तो हम वन RSE को क्या बोल सकते हैं, RSE हमारे पास वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बराबर है। ये हमने पहले पढ़ा हुआ, ठीक है। और हम ये मान लेते हैं कि जो प्लैनेट और अर्थ के बीच की डिस्टेंस है, इसको बोल देते हैं हम क्या बेटा, RPE। PE का मतलब, RPE क्या चीज है बेटा, RPE इज द डिस्टेंस ऑफ, डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट एंड अर्थ, या डिस्टेंस बिटवीन प्लैनेट एंड अर्थ। क्लियर है, ठीक है। अब देखो, ये प्लैनेट और ये सन जो एंगल बना रहे हैं इसके ऊपर बेटा, अर्थ के ऊपर, इस एंगल को बोलते हैं ई। और ई का मतलब एंगल ऑफ एलोगेशन। ई क्या है हमारे पास, ई है हमारे पास एंगल ऑफ एलोगेशन। इस एंगल को बोलते हैं बेटा, जो अर्थ और सन, सॉरी, जो सन और प्लैनेट अर्थ के ऊपर जो एंगल बना रहे हैं, उस एंगल को बोल दिया हमने एंगल ऑफ एलोगेशन, ठीक है, इसे ई से, ठीक है। अब यहां पर कोपरनिकस मेथड की जो कहानी है वो स्टार्ट होती है। देखो, एक टाइम ऐसा आएगा, एक देखो, ये प्लैनेट्स भी के अराउंड रिवॉल्व करता जाएगा, सन के अराउंड रिवॉल्व करता जाएगा, और ये अर्थ भी किसके अराउंड रिवॉल्व करता जाएगा बेटा, सन के अराउंड रिवॉल्व करता जाएगा, है ना। दोनों के बीच में ये जो लाइन है हमेशा रहेगी,
ये लाइन यहाँ शिफ्ट होती जाएगी, आगे चली जाएगी, पीछे की तरफ से कहीं भी लाइन हो सकती है, शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, अब ध्यान से देखो, एक ऐसा टाइम आएगा जिस टाइम पर इस एंगल ऑफ एलोगेनेशन, जिसको हम ई से भी नोट कर लें, इसकी वैल्यू हो जाएगी बेटा मैक्सिमम। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? मैक्सिमम। वो कब मैक्सिमम होगी बेटा? जब हमारे पास ये वाला एंगल जो प्लेनेट है और ये एंगल कितना डिग्री होता है? 90 डिग्री। अब ये 90 डिग्री होगा, जैसे देखो ये हमारे पास क्या होगी? रेडियस। ठीक है, और ये हमारे पास क्या हो गया बेटा? टेंजेंट। आप लोगों ने पढ़ा होगा रेडियस और टेंजेंट के बीच में जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। जैसे ही हमारे पास ये तो रेडियस है और ये डिस्टेंस, जैसे ही हमारे पास टेंजेंट बनेगी तो इनके बीच में एंगल कितना डिग्री हो जाएगा? 90। इसका मतलब हमारे पास ये ई जो एंगल है, एंगल ऑफ एलोगिनेशन, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? मैक्सिमम। जैसे ही आपके पास एंगल ऑफ एलोगिनेशन की वैल्यू मैक्सिमम होगी, वैसे ही आपके पास ये एंगल कितना डिग्री बन जाएगा? 90 डिग्री। इसका मतलब आपके पास ये सन हो गया एस, ये अर्थ हो गया पी, और ये प्लेनेट हो गया पी, और ये अर्थ हो गया ई। तो अब ये आपके पास एक ट्राइंगल बन गई, और वो कौन सी ट्राइंगल है? राइट एंगल ट्राइंगल। कौन सी ट्राइंगल बन गई? राइट एंगल ट्राइंगल। देखो, जब प्लेनेट रिवॉल्व कर रहा होगा सन के अराउंड, अर्थ भी रिवॉल्व कर रहा होगा सन के अराउंड, एक कंडीशन ऐसी आएगी जब भी प्लेनेट अर्थ पर और प्लेनेट सन के बीच में जो लाइन है उनके बीच में एंगल कितना डिग्री हो जाएगा? 90। क्योंकि एक तो रेडियस हो जाएगी और एक क्या हो जाएगी हमारे पास? टेंजेंट। उस केस में एंगल ऑफ एलोगिनेशन, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? मैक्सिमम। तो अब हमारे पास इसकी वैल्यू मैक्सिमम हो गई, तो ये जो ट्राइंगल है कौन सी बेटा? एस पी ई। कौन सी ट्राइंगल बन जाएगी? इट विल बिकम राइट एंगल ट्राइंगल। कौन सी ट्राइंगल बन गई बेटा? राइट एंगल ट्राइंगल बन गई। अब राइट एंगल ट्राइंगल में हमें निकालनी कौन सी डिस्टेंस? हमें ही निकालना है परपेंडिकुलर, है ना? देखो ये 90 और ये थीटा, जहां 90 और थीटा है वो तो बेस हो गया, तो ये तो किसका काम करेगा बेटा? ये तो काम करेगा बेस का, और ये वाली लाइन किसका काम करेगी? ये काम करेगी परपेंडिकुलर का, और ये वाली लाइन किसका काम करेगी? ये काम करेगी हाइपोटेन्यूज। हमें निकालनी कौन सी डिस्टेंस है? डिस्टेंस प्लेनेट की सन से निकालनी है, मतलब मुझे निकालना है आर एस पी अपॉन, और मुझे डिस्टेंस सन से अर्थ के बीच में पता है कितनी होती है? 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो डिवाइड में कर देंगे आर एस ई बराबर, एस पी किसके बराबर है बेटा? परपेंडिकुलर है, और एस ई किसके बराबर है? हाईपोटन्यूज। परपेंडिकुलर बाय हाईपोटन्यूज का होता है साइन ऑफ थीटा। अब थीटा कौन सा एंगल है? थीटा है एलोगेनेशन, एंगल ऑफ एलोगेनेशन, थीटा ऑफ ई हो जाएगा, साइन ऑफ ई हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई होगी। अब निकालना है कि आपको आर एस पी, जब आपको आर एस पी निकालना है तो इसको इधर, इसको उस साइड ले जाओ, तो यहां से निकल जाएगा आर एस पी बराबर क्या आ जाएगा बेटा? आर एस ई इंटू में साइन ऑफ एंगल ऑफ एलोगिनेशन। तो आर एस पी की जो वैल्यू आएगी, एस ई का मतलब सन से अर्थ के बीच की डिस्टेंस, और सन से अर्थ के बीच की डिस्टेंस कितनी है बेटा? 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो ये 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ एलोगिनेशन। आपको सिर्फ ए की वैल्यू पता होनी चाहिए, साइन ऑफ एंगल ऑफ एलोगिनेशन की वैल्यू पता होनी चाहिए। जैसे ही आपको साइन ऑफ एंगल ऑफ एलोगिनेशन की वैल्यू पता लग जाएगी, आप क्या कर दोगे बेटा? यहाँ पर साइन की वैल्यू पुट कर दोगे। मान लो थीटा की वैल्यू दे रखी है इसने 45 डिग्री, कितनी वैल्यू दे रखी है? फॉर एग्जाम्पल 45, साइन 45 की वैल्यू यहाँ पुट करो, और 1 आप वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो सन और किसके बीच में बेटा? प्लेनेट के बीच में। ठीक है, तो यहां तक मेरे को लगता है आपको समझ में आया होगा। अब जो हमारा तो क्या बताया बेटा, एक सेकेंड, सब लोगों को नजर आ रहा हूं मैं, बोर्ड दिख रहा है ना बेटा? क्लियर?
रोटेट तो नहीं हो रहा अब, ठीक है। ठीक है, तो ये हमारे पास कौन सा मेथड हो गया? कॉपरनिकस मेथड हो गया। जिस कॉपरनिकस मेथड का यूज हम लोग कर रहे हैं, कौन से डिस्टेंस निकालने के लिए हम लोग निकाल रहे हैं, कौन से प्लैनेट की डिस्टेंस निकाल रहे हैं बेटा, कौन से प्लैनेट की डिस्टेंस निकाल रहे बताओ? इनफीरियर। अच्छा अब एक बात और याद रखना, सुपीरियर प्लैनेट्स की डिस्टेंस निकालनी है तो उसके लिए हम लोग जो मेथड का यूज करेंगे उस मेथड का नाम है हमारे पास कैपलर्स मेथड या कैपलर्स लॉ। और मैंने आपको बता दिया, ये कोई भी एक बच्चा याद रखेगा, जब हम ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ाएंगे आपको, कैपलर्स के लॉ पढ़ाएंगे, तब आपको मैं सुपीरियर फिलहाल के लिए आगे डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। और अभी इस वाले आर्टिकल में किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है, अदरवाइज हम एक अगला आर्टिकल कर रहे हैं। किसी को डाउट है इसमें? चले आगे चलते हैं। अगला मेथड हमारे पास क्या है? रिफ्लेक्शन मेथड, या फिर इसको बोलते हैं इको मेथड। कौन सा मेथड है बेटा? अभी तक जितने भी हम मेथड पढ़ रहे हैं, ये सारे मेथड है हमारे पास क्या कैलकुलेट करने के लिए बेटा? डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए। कौन सी डिस्टेंस? कोई लार्ज है तो कोई स्मॉल। अभी फिलहाल हम लार्ज डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, उनको कैलकुलेट करने के सारे मेथड हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब हम मान लो जैसे मैं यहाँ पर खड़ा हूं, ठीक है, और सामने मेरे एक बहुत बड़े पहाड़ है, एक बहुत बड़ा हील है, मुझे यहां से लेकर उस हील के बीच की डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो वो मेथड क्या, उसमें किस मेथड का नाम? उस मेथड का नाम है रिफ्लेक्शन मेथड। रिफ्लेक्शन मेथड, ठीक है, रिफ्लेक्शन मेथड बोल देते हैं। और कई बार आप इसको एको या फिर इको जो बोलते हो आप, इको मेथड भी बोल देते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है साउंड का रिफ्लेक्शन और इको। इको क्या होती है? जब हम किसी बड़े हॉल या कमरे पे खड़े होते हैं और खड़े होकर वहां पर साउंड प्रोड्यूस करते हैं, तो साउंड का सामने वाली वॉल से टकरा कर वापस आपको दोबारा सुनाई देना, उसको क्या बोलते हैं हम? इको, है ना। रिपीटेशन ऑफ साउंड आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ सॉलिड सरफेस। मान लो किसी हॉल कमरे के अंदर आप खड़े हो, और कमरे के अंदर अगर आप चिल्लाते हो या कुछ बोलते हो तो आपको अपनी आवाज दोबारा सुनाई देती है, उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा? इको या एको जो बोलो आप, ठीक है। और रिफ्लेक्शन मेथड बोल दो या एको मेथड बोल दो, इनका काम क्या होता है रिफ्लेक्शन मेथड का या एको मेथड का? रिफ्लेक्शन मेथड बेटा किस काम आता है बेटा? डिस्टेंस कैलकुलेट करने का आता है, डिस्टेंस फ्रॉम अ हिल। आपके सामने कोई पहाड़ है, पहाड़ से आपकी डिस्टेंस कितनी दूर है, वो डिस्टेंस कैलकुलेट करने का काम आता है। फॉर एग्जाम्पल ये कोई मान लो पहाड़ है, ठीक है, और आप यहां पर खड़े हो, तो आपकी और पहाड़ के बीच में क्या डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस को कैलकुलेट। देखो जो ये मैं टेक्निक बता रहा हूं वो आने वाले कुछ मेथड, मतलब लेजर मेथड अभी आगे आएगा वो, है ना, उसके बाद राडार मेथड आएगा, उसके बाद सोनार मेथड आएगा। लेजर, राडार, सोनार, ये तीन मेथड, इन तीनों मेथड में ये सेम यही वाला कंसेप्ट अप्लाई होगा। तो आप इस मेथड को ढंग से समझ लो, बाकी जो बच गए दो मेथड जो मैं आपको बता रहा हूँ, लेजर मेथड और राडार मेथड, है ना, लेजर बता दिया, राडार बता दिया, सोनार बता दिया, इन तीनों का सेम फंडा है, प्रिंसिपल तीनों का सेम है। आप यहां पर खड़े हो और सामने कोई हिल है आपके पास, कोई पहाड़ी है, कोई टॉप पर पहाड़ी है, कोई पहाड़ है, उस पहाड़ से आपको यहां तक की डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है। तो इसके लिए जो मेथड आप यूज करोगे उस मेथड का नाम कौन सा है बेटा? उस मेथड को बोलते हैं रिफ्लेक्शन मेथड या फिर बोलते हैं एको मेथड। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन मेथड या फिर क्या बोलते हैं? एको मेथड। हम करेंगे क्या, हम यहां पर यहां खड़े होके एक गन से फायरिंग करेंगे। किससे फायरिंग करेंगे बेटा? गन से फायरिंग करेंगे। जैसे गन से आप फायर करोगे
उस बुलेट का यूज नहीं करना हम लोग, हमने गन से जो फायर होने वाला साउंड है उसका यूज करना है। जैसे ही गन से आप फायर करोगे, गन से साउंड प्रोड्यूस होगा और वो साउंड ट्रेवल करेगा कहाँ की तरफ बेटा? वो साउंड ट्रेवल करेगा कहाँ की तरफ? हिल की तरफ। ठीक है, किस स्पीड से करना ट्रेवल? मान लो वी वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है साउंड। वी किसकी वेलोसिटी है बेटा? वी है स्पीड ऑफ साउंड। हमने गन से बुलेट को फायर किया, वहां से साउंड प्रोड्यूस हुआ और वो साउंड किसकी तरफ चल रहा है बेटा? हील की तरफ चल रहा है। किस वेलोसिटी चल रहा है? वी वेलोसिटी चल रहा है। सामने हील आई, साउंड वहां से टकराया और टकराने के बाद रिफ्लेक्ट होकर वापस आया। रिफ्लेक्ट होकर क्या आया? वापस आया। ठीक है, जाने की जो डिस्टेंस इसने कितनी कवर करी मान लेते हैं बेटा? एक्स। कितनी कवर करी जाने की डिस्टेंस? एक्स। साउंड टकरा कर वापस आया, आते टाइम ही कितनी डिस्टेंस कवर करेगा बेटा? सेम डिस्टेंस कवर करेगा एक्स। तो साउंड ने टोटल डिस्टेंस कितनी कवर कर ली? साउंड ने टोटल डिस्टेंस जो है वो कवर कर ली कितनी बेटा? एक्स प्लस एक्स बराबर कितना? 2x। और ये साउंड किस स्पीड से चल रहा है? स्पीड दे रखी साउंड की कितनी दे रखी आपको बेटा? v। वो अलग अलग साउंड की स्पीड पे डिपेंड करता है, अलग अलग कौन सा साउंड है। ठीक है, वैसे जनरली आपको पता है स्पीड ऑफ साउंड 330 या 340 के बीच में होता है, 340 मीटर पर सेकंड पर। यहाँ पर डिपेंड करता है आपने कौन सा साउंड यूज किया। ठीक है, तो v हमारे पास क्या हो गया? स्पीड ऑफ साउंड। अब देखो हमारे पास एक स्टॉप वॉच होती है, यहाँ पर स्टॉप वॉच किस काम आती है? जैसे आपने गन को फायर किया उससे साउंड प्रोड्यूस हुई, स्टॉप वॉच को आपने ऑन कर दिया, साउंड गया ट्रेवल करके सामने वाली हील से टकराया और टकराने के कुछ सेकेंडों बाद वापस आया और आपको दोबारा से वो साउंड सुनाई दिया, तब आपने स्टॉप वॉच को ऑफ कर दिया। स्टॉप वॉच काम आता है यहां से वहां तक और वहां से यहां तक आने का टाइम, मतलब जाने का टाइम कितना था, जाकर आने का टाइम कितना था, किसकी हेल्प से करा हमने? स्टॉप वॉच से। और वो हमने नोट किया जो टाइम था हमारे पास, मान लो कितना आ गया टोटल टाइम हमारे पास आ गया, मान लो टी। तो डिस्टेंस आ गई, स्पीड आ गई, टाइम आ गया। स्पीड बराबर क्या होता है बेटा? स्पीड का फॉर्मूला होता है स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? डिस्टेंस का फॉर्मूला रहेगा स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। डिस्टेंस कितनी ट्रेवल कर रहा है? 2x। स्पीड कितनी है इसकी? v। टाइम कितना है? t। x की वैल्यू कितनी होगी बेटा? v मल्टीप्लाई बाय t डिवाइड बाय 2। x क्या चीज है? आपकी उस हील से, आपकी और हील के बीच की डिस्टेंस, आपके और हील के बीच की डिस्टेंस। ठीक है बेटा, तो ये तो हमारे पास कौन सा मेथड था? रिफ्लेक्शन मेथड बोल सकते हैं, इको मेथड। रिफ्लेक्शन और इको मेथड की हेल्प से आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो कि क्या, आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो किसकी डिस्टेंस, किसी भी हील की या फिर किसी भी पहाड़ की या किसी बहुत बड़ी बिल्डिंग है बहुत दूर आपसे, उसकी डिस्टेंस। अब देखो मैं दो मेथड बता रहा हूं, एक तो कौन सा मेथड है? लेजर, लेजर मेथड। बताऊंगा इनके बारे में डिटेल के अंदर नेक्स्ट वीडियो के अंदर, पर फिलहाल अभी मैं इन शॉर्ट बता रहा हूँ। दूसरा मेथड है हमारे पास राडार और तीसरा मेथड है हमारे पास सोनार। सोनार को आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ठीक है, रडार की बड़े रेडियो डिटेक्टिंग एंड रेंजिंग। लेजर की फुल फॉर्म भी है लाइट एम्पलीफिकेशन ऑफ स्टिमुलेट इमिशन बाय रेडिएशन, सब बताऊंगा डिटेल के अंदर। लेजर मेथड किस काम आता है? लेजर मेथड आता है मून की डिस्टेंस कैलकुलेट करने। जो हमने इको मेथड में फंडा पढ़ा था ना, सेम फंडा इस पे पढ़ना है। मून की डिस्टेंस मेजर करने के लिए कौन सा मेथड काम आता है बेटा? लेजर मेथड काम आता है। रडार आता है बेटा नियर बाय प्लैनेट की डिस्टेंस, नियर बाय प्लैनेट की डिस्टेंस। और आपको पता है सोनार मेथड किस काम आता है? किसी भी समुद्र की गहराई नापने के, मतलब डेप्थ ऑफ सी, या फिर वाटर एलिमेंट्स का डिटेक्टिंग वगैरह के लिए काम आता है। ठीक है, इन तीनों मेथड के अंदर जो प्रिंसिपल है, जो कंसेप्ट है, वो रिफ्लेक्शन और इको मेथड वाला ही है। वही कंसेप्ट हम इसमें यूज करेंगे। आज की क्लास यही ओवर होती है, कल मैं इन तीनों मेथड का आपको इन शॉर्ट बता दूंगा। ठीक है,
तीनों वेहीकल करने के बाद हम अब तक जितना हमने पढ़ लिया उस पर हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे जो मेथड ऑफ डिस्कवर उस पर है। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं ओवर होती है। किसी को डाउट हो तो पूछ सकता है बेटा, अदरवाइज क्लास नहीं। डाउट है आर्यन, वंदना, प्रीति, आदित्य,